अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पंचायत चुनावों को लेकर आया बड़ा फैसला, सरकार ने तय कर दी चुनाव की नामांकन फीस। देखिए कितने रुपए में मिलेगा प्रधानी का पर्चा, अलग अलग उम्मीदवारों से लगेगी अलग अलग फीस। चुनाव की तैयारियों में जुट गया है प्रशासन। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच सरकार ने अब नामांकन फीस को लेकर रुख साफ कर दिया है और नामांकन फीस भी तय कर दी गई है। ऐसे में एक बार फिर सियासी हलचल तेज दिख रही है और हर शख्स जानना चाहता है कि किस पर्चे की कितनी फीस लगेगी। आपको बता दें कि प्रधानी से लेकर पंचायत सदस्य तक के पर्चे की फीस को तय कर दिया गया है और पद के अनुसार ही फीस वसूल की जाएगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की माने तो इनकी देखरेख में निर्वाचन प्रपत्रों की गणना के बाद इन्हें रखवाया गया है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान के पद के लिए नामांकन पत्र आयोग से चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रत्याशी ले सकेंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी देना पड़ेगा। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 150 रुपए, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत पद के लिए 300 रुपए, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 500 रुपए और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 800 रुपए का नामांकन प्रपत्र खरीदना होगा। ग्राम पंचायतों में पंचायत चुनाव को संपन्न करवाने के लिए अंतरिम वोटर लिस्ट जारी की जा चुकी है। इसे लेकर तमाम तरह की आपत्तियां आई हैं और इनको जल्द दूर किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जल्द से जल्द चुनावों को संपन्न करवाया जाएगा और उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं का प्रोग्राम बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार लगातार चुनावों की तैयारी में जुटी है। देखना यह है कि कब तक तारीखों का ऐलान होता है। इस बीच ग्राम प्रधान के इच्छुक उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी बादशाहत कायम होगी, क्योंकि बीजेपी भी अपने समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि बहन जी मायावती की तरफ से अब तक मामले पर कोई भी संकेत नहीं दिया गया है। वो किसके साथ होंगी और किसके साथ नहीं होंगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।